विकास सरोकार। नमस्कार, मैं हूं ईशा भार्गव, स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। सीबीएसई ने आज 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए हैं। आज लाखों बच्चों का इंतजार खत्म हो गया। वहीं हर बार की तरह इस बार भी परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी है। अगर बात करें 12वीं की तो 12वीं में कुल 87.33% का रिजल्ट बना, वहीं 10वीं में कुल 93.12% का रिजल्ट बना है। साथ ही राजधानी लखनऊ के डीपीएस स्कूल के विद्यार्थियों ने बातचीत में बताया कि बोर्ड के रिजल्ट से वो काफी खुश है। इसके अलावा विद्यार्थियों ने अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बताया। डीपीएस इंदिरा नगर स्कूल से अपूर्व जोशी 96%, पवनी झा 95.8%, ऋषिता यादव 96% और संकल्प शुक्ला 95.6% अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं। I'm very happy about my result. I'm feeling very, very joyful because the hard work I have made throughout the 10th journey has finally paid off and I scored a great percentage. So I'm very happy about my result. तो इसके बाद अगर आप साइंस के लिए जाएंगे या कॉमर्स चूज करेंगे? I'm a BCM student right now. I'm preparing for IIT JEE and I want to be an IIT and that's my dream. और मैं अभी कॉमर्स लिया हूँ, 90% प्लस है मेरे और मैं एसएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। पापा का फैमिली बिजनेस तो आगे वो भी कंटिन्यू करना है। और क्या प्लान है आपके फ्यूचर में? तो आप IAS क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद फैमिली बिजनेस करेंगे, तो क्या आपको इतना समय मिलेगा कि आप सिविल सेवा में देश की रक्षा भी कर सके? सिविल आगे बहुत टाइम तक कंटिन्यू नहीं करूंगा, थोड़े टाइम बाद रिटायर हो जाऊंगा। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज मेरा रिजल्ट आया है। काफी मेहनत करी थी मैंने पूरे साल और आज रिजल्ट आया तो ऑफकोर्स मैं बहुत खुश हूँ। आगे के प्लान है, अभी मैंने ह्यूमैनिटीज दे रखी है और आगे के प्लान है क्लैट देने के, एक अच्छे से कॉलेज से NLU लॉयर बनने के। मेरा नाम ऋषिता यादव है। मैंने भी बहुत लास्ट तीन महीने बहुत लगा के पढ़ाई की है। सो आई हैव परस्यूड PCM एंड फर्दर गोइंग मुझे टेक्निकल BTech नहीं करना है, मुझे CUET करना है, जिसमें कि डोमेन सब्जेक्ट्स मेरे लिए बहुत ही फेवरेबल है। मैंने बहुत ही टिपिकल स्टूडेंट की तरह CS नहीं लिया है, मैंने इकोनॉमिक्स लिया है PCM के साथ। अच्छा लग रहा है, जैसे कि जितने एक्सपेक्ट किए थे उससे ज़्यादा अच्छी मार्किंग हुई है और मार्क्स भी ज़्यादा आए हैं जितने एक्सपेक्ट कर रहे थे और ओवरऑल बेटर मार्क्स हैं और मार्किंग भी ज़्यादा लीनियंट थी। काफ़ी बच्चों ने कहा कि वो IIT कर रहे हैं, नीट के लिए जा रहे हैं, तो क्या फ्यूचर गोल्स है आपके? मेरा नीट है, एम्स के लिए और MBBS के लिए फोकस कर रहा हूँ मैं, बट और कहीं ना कहीं वहीं पे क्या कहते हैं NDS भी चलेगा और क्या कहते हैं क्लैट भी की भी तैयारी कर रहा हूँ साइड बाय साइड। कोई एक रीजन कि आपको डॉक्टर ही बनना है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको इंस्पायर करती हो डॉक्टर बनने के लिए? डॉक्टर देखिए क्या कहते हैं एक बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है। मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज रिजल्ट आए हैं मेरे, 95.6% आए हैं और मेरे आगे का है कि मुझे रिसर्चर बनना है मैथ्स में, ISI कोलकाता जाने का। मेरा नाम सात्विक है, आज रिजल्ट आया है, बहुत खुश हो रहा हूँ। मेरा आगे का गोल है कि मैं IIT करूँगा, IIT इंजीनियरिंग करूँगा और मम्मी पापा का नाम रोशन करूँगा। मेरा नाम स्वयं जयसवाल है और मेरे 10th में 95% मार्क्स आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि मेरे मेहनत काम आई है मेरे। मैं आगे जाके UX वेब डिज़ाइनर में काम करना चाहता हूँ और जिससे मेरे अपने माँ का नाम रोशन करना चाहता हूँ। आज रिजल्ट निकला है, मुझे बहुत खुशी है और मैं मुझे आगे चल के UPSC की तैयारी करनी है और आज मतलब सब इतने खुश, सबकी मेहनत बहुत अच्छी गई है। एंड आई स्कोर 91.4% माई क्लास 10th CBSE बोर्ड्स एंड इट वॉज अ नाइस जर्नी इन होल क्लास 10th एंड आई परस्यूड PCM विथ कंप्यूटर साइंस एंड AI. सो आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर IIT JEE एंड आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट। UPSC ने आज 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित किए हैं। लाखों छात्रों का जिस दिन का इंतजार था आज वो पूरा हुआ है। CBSE में हाई स्कूल में तकरीबन 16 लाख छात्राओं ने परीक्षाएं दी थी और सभी जो है रिजल्ट आने के बाद काफ़ी खुश लग रहे हैं। इस समय हम दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 19 यहाँ पर हैं और जिस तरीके से हमने बच्चों से बातचीत की उससे साफ पता चल रहा है कि आने वाले समय में वो अपने गोल्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा
वो सचेत हैं, सतर्क हैं। सभी ने अपने बारे में बताया कि वो आगे क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से उन्होंने तैयारियां की, क्या उन्होंने रणनीति बनाई थी इस बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए। हम सबको पता है कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम में तमाम प्रेशर होता है बच्चों पे, सोसाइटी का प्रेशर होता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, गार्जियन का प्रेशर होता है। इन सब दबाव और प्रेशर के जूझते हुए उभरने के बाद बच्चों ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया, और सबसे बड़ी बात आज के बच्चों को पता है कि कल जाके उनको क्या करना है। विवेक शाही लखनऊ से प्राइम टीवी। हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।